बच्चे भूखे मरते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? कोई मार जस्टिस, कोई मार जस्टिस, कोई मोबिलाइजेशन पास करो, लागू करो, लागू करो, मोबिलाइजेशन पास लागू करो, मिनिमम वेज सब चुका लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेज सब चुका लागू करो, लागू करो। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट जिंदा साथ है, इमरान साहब आगे बढ़ो और तुम्हारे साथ है, पेंडिंग वेजेस चुको लागू करो, लागू करो। गवर्नर तेरे राज में जो भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, कोई वांट जस्टिस, कोई वांट जस्टिस, पेंडिंग पेजेस रिलीज करो। गवर्नर तेरे राज में जो भूखे मरते हैं, केजरीवाल और यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, अल्टीमेट कश्मीर केजरीवाल यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, इमरान साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, केसर साहब पेंडिंग पेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। प्रोटेस्ट पे अभी तक है लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हम जो यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया और जो यूटी गवर्नमेंट है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप देखो हमारा हाल क्या है। जो जम्मू कश्मीर का एक कैजुअल लेबर है, एक सीजनल लेबर है, सीपी वर्कर है, एसडीएफ वर्कर है, लैंड ओनर है, आईटीआई वर्कर है, जो भी यहाँ 61,000 के करीब जो भी आर्जी मुलाजमीन है, आप देखो हमारा हाल क्या है। आज बारिश हो रही है, बारिश के बीचों बीच हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए एक शेम की बात है। हम जो आज की जो सैक मीटिंग होने वाली है गवर्नर इंतजामिया की, हम चाहते हैं कि उसमें कम से कम जो हमारे लिए मिनिमम वेज एक्ट हो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी हो और जो पेंडिंग वेजेस है हमारे वो भी हमें रिलीज हो जाए जल्द से जल्द। और इसके साथ साथ जो हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं कि अगर जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया है तो जो चंडीगढ़ या दिल्ली में जो मिनिमम वेज एक्ट जो यहाँ पे लागू हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेली माँ का सलूक आप क्यों कर रहे हो? इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं जल्द से जल्द, और जो आज सैक की मीटिंग होने वाली है, हम चाहते हैं कि उसमें ये कोई फैसला ले, यहाँ के 61,000 के करीब जो आर्जी मुलाजमीन है, यहाँ के कैजुअल लेबर है, नीड बेस है, सीपी वर्कर है, लैंड ओनर है, आईटीआई है, जो भी यहाँ पे आर्जी मुलाजमीन है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो वो उनके लिए जल्द से जल्द वो पॉलिसी जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी वो वाजिया करे। और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से मुदबाना अपील करते हैं, जो हमारे लड़के ड्यूटी के दौरान जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए भी, उनके जो घर वाले हैं उनके लिए उनका वो वहाँ पे एडजस्ट किया जाए। जो जो लड़के हमारे शहीद हुए हैं या जिन लड़कों ने हमारे चाहे इरिगेशन में हो, पीएचई में हो या कहीं भी हो, जाओ जो पीडीडी में आप देखो कि ईद के दिन जहाँ पे वो मसला हुआ कि हमारा एक कैजुअल लेबर उसकी डेथ हुई, हम चाहते हैं कि इनके भी घर वालों को उनकी जगह पे एडजस्ट किया जाए।